लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आज मुंबई के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। मुंबई में दो अलग अलग जगह छापेमारी हुई है। इस बीच ईडी की हिरासत में अभी संजय राउत है। पात्रा चौल घोटाले की जांच के सिलसिले में ही ये दो छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि दो अलग अलग लोकेशन पर ईडी की ये छापेमारी, वहीं कोलकाता में चार जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसके तार ईडी संजय राउत से जोड़कर देख रही है। दिव्येश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिव्येश, कहां कहां पर ये छापेमारी हुई है और क्या जानकारी ईडी के सोर्सेस से मिल रही है? मैं आपको बता दें कि अभी दो जगह पर छापेमारी चल रही है, दोनों जगह मुंबई में है। और पत्राचाल मामले में जो पैसे डाइवर्ट हुए थे, पत्राचाल मामले में 1034 करोड़ रुपए मिले थे एसएसआई बेचने के बाद आरोपियों को, और उनके बाद 96 करोड़ रुपए करीब प्रवीण राउत को मिले थे। और उसमें से जो पैसे डाइवर्ट किए गए थे उसमें कुछ पैसे संजय राउत और उनके परिवारजनों को आए थे, और जो पैसे अलग जगह पर डाइवर्जन जो हुआ था पैसों का, उसको लेकर ये रेड की जा रही है। सुबह से ही दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है। अभी जो आइडेंटिटी है लोगों की जिनके यहाँ पर सर्च चल रही है, वो सूत्रों द्वारा पता नहीं चला है, ईडी द्वारा उसके बारे में बताया नहीं गया है। बट अभी ये कंफर्म कर दिया है सूत्रों ने कि दो जगह पर छापेमारी चल रही है और ये शाम तक छापेमारी चलती रहेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए कि ईडी की छापेमारी मुंबई में दो ठिकानों पर चल रही है। हालांकि एड्रेस क्या है, डिटेल्स क्या है, ये आगे मालूम होगा।